हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, एमपी साहब बोल रहे क्या? कौन है? कौन बोल रहे साहब? मांगेराम त्याग बोल रहा हूँ, पश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष जी। मैं जनपद मुजफ्फरनगर से मांगेराम त्यागी बोल रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष जी। जी बताएं, बात करानी क्या? हाँ बात करा दो। मांगेराम त्यागी जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के पद एक मिनट होल्ड करा। भाई साहब प्रणाम जी। भाई साहब प्रणाम, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, इस विषय में हमारी मदद करो। ये जिस तरह से भाई मैंने त्यागी समाज के लिए एक शब्द बोला हो, मैंने ये कहा हो किसी त्यागी के खिलाफ, त्यागी ब्राह्मण सब एक माने जाते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं समाज की खाई को तोड़ के, जो मतलब बड़ी मुश्किल से तो ब्राह्मण लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे होते थे। एमपी साहब मेरी बात सुन लो। हाँ सुनाओ भाई साहब। मैं दो दिन से फोन कर रहा था आपको। हाँ देखो मेरी बात सुन लो, आपको हाँ। भी पता है कि ये क्या प्रकरण था और क्या का क्या बनाया, जो जिस किस्म का उसकी महिला को उसके बच्चों का उत्पीड़न किया गया पुलिस के द्वारा आप लोगों ने, आप एक बात दो, हम 100% वोट दे रहा त्यागी समाज जी भाई, भाजपा का इसको क्या कहते हैं, जिस तरह ऐसी समाज बहन जी को वोट दे ना, इसी तरह जो है दे, लोग हमारी कोड़ी भरता है, लोग हमारे से लड़ते हैं भाजपा के, इसमें हम कुछ कह भी दे जी भाई। आपने जो बिना सोचो समझो जो ना काम कराया दिया एमपी साहब, ये आपको दो, आपको वोट नहीं दी लोगों ने भाई साहब। मैंने कब मना किया? और मैं उसके लिए थोड़ी गया था। सुनो भाई साहब, 3 साल पहले मैं गया, इनका समझौता कराया, 2 साल के बाद मेरे पास उस दिन वहां से कॉल आई, और कॉल भी भाई साहब उनसे नहीं आई, कॉल आई मेरी पार्टी से। नहीं नहीं सुनो एमपी साहब, हमको इस बात का दुख है, आपने राजेंद्र अग्रवाल जो एमपी हाँ। है उनका कहे से तुरंत जो है डिसीजन ले लिया, आप वहां चले गए सोसाइटी में, आपने उसके वो उसके जो उसके बच्चे हैं वो रोए थे जीजा रहे, आपका ये फर्ज बना था कि मैनेज करके भाई त्यागी में ब्राह्मणों में कौन सा फर्क है। आपने देखो आपने आवेश में आएगा काम तो कर दिया, पूरे देश और प्रदेश में आपकी इतनी छवि धुमी लगी इस मामले से, और मैं बता रहा आपको इस बात को बिल्कुल गौर से सुन लियो, हमारा जो युवा वर्ग है ना जी भाई साहब, इस हमारा जो युवा वर्ग है त्यागी समाज का, और हमारी तरफ तो ब्राह्मण भी जुड़ रहे इसमें जनपद मुजफ्फरनगर में, आपका इसका भाजपा का इलाज भरेगा भाई साहब। मैंने तो कल चिट्ठी जारी करके कह दिया ना पक्ष अपना। नहीं नहीं आपने चिट्ठी जारी कर दी ना, आप इसको जो आपका जो वो प्रमुख सचिव है अविनाश अवस्थी जिसको आपने फोन किया है उसको फोन करो, और इसकी धारा काट के तो 5-7 घंटे में जो बाहर निकलवा तो सारे गले की हड्डी बन गया भाई साहब। मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ ये गैंगस्टर एक्ट लगना गलत, मैं ये भी कहता हूँ ये 6 बच्चे जो गिरफ्तार हुए ये भी गलत, मैंने कब कहा भाई साहब? नहीं तो सुनो, जब आप एमपी साहब इसको इतनी जल्दी पकड़वा सको तो आप छुड़वा नहीं सकोगे, आपका फर्ज नहीं बना था भाई अन्याय हो रहा है इसके साथ भाई साहब। मैंने सुनो एक मिनट, सुनो एमपी साहब, अजी भाई साहब मेरी बात सुनो, यानी कि संसद भवन में आतंकवादी घुस सकते हैं, उसके घर पर भी कोई मिलने नहीं जा रहा है, आपके संसदीय क्षेत्र का मामला है, आपने इसको क्या आपत्ति उठाई कि भाई उसके बच्चों से यार रिश्तेदार नहीं मिल सकते, आपका ही फर्ज बनता है ये। माननीय योगी जी थोड़े देख इस प्रकरण को आप देख रहे हैं, आपने जिस गेयर लगाया को जो गेयर लगाया को आपने पकड़वाया, कार्रवाई करवाई, आप इसको तुरंत, मेरा आज आपसे ये कहना है, आज 16 तारीख होली, आपको ये मामला थमने का नहीं, 21 तारीख में भोपाल मिचा का जय कतलेआम मिच जाओ, अगर हम जो है ना हमें कुछ भी करना पड़ो या तो मेरे को ब्लैक टी चार्ज कराइयो, और नहीं तो इसको जो है आज इसकी तारीख में इसकी धारा वारा कटवाएगा और वहां से पुलिस हटवा दो। देखो भाई साहब, मैं आपके दोनों विषयों में आपके साथ हूँ, 6 बच्चे तुरंत छूटने चाहिए, दूसरी बात रही ये पड़ोसियों की लड़ाई का मामला था, इस पर मैंने तो नहीं कही गैंगस्टर एक्ट लगाओ। मैंने कहा रहा जो महिला है, आप हम किसी महिला को नहीं करते, चलो वो भी अपनी महिला है,
एक पाश्चात्य संस्कृति की महिला जो उसका व्यवहार उसका रहन सहन और पहनावा वो किस किस्म से हंस रहे हैं बदतमीज कर रही है भाई वो वहाँ उस कॉलोनी की अध्यक्ष थी चेयरमैन थी विधायक थी वो क्यों गई वहां से भिड़न उसका पति नहीं था आपको नहीं पता या क्या है यार राजेंद्र अग्रवाल जो है जो एमपी बना है वो त्यागी वोट बना है 1.5 लाख वोट हमारी वहां से है अगर आपके दिमाग में यह है भाजपा के कि हम भाजपा के चमार हैं दिमाग में तो निकाल लिए भूस भर देंगे आपका भाई साहब ये तो बात कहीं आई नहीं ना हमने तो ब्राह्मण त्यागी समाज को कभी अलग करा ही नहीं ना नहीं आपने तो बना दिया ना देखो हमारे में ब्राह्मण त्यागी देखो भाई साहब यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ मेरा रोल इसमें कहाँ था बताओ आपका दोष यह है सुनो आपका दोष यह है एमपी साहब एक महिला का वोडियो वायरल हो रहा है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं आपने उनकी तरफ से कार्रवाई कराई तो ये भी तो महिला ही होगी इसकी जो श्रीकांत त्यागी है जो श्रीकांत त्यागी है इसकी घरवाली तो महिला होगी क्या है यार नहीं मैंने कहा ये 6 बच्चों को गिरफ्तार करो वो सोसाइटी वालों ने अपने आप उनको घेर के बच्चों को गिरफ्तार कराया सुनो सोसाइटी वालों को नुको नुको आसमान में चले जाओ या जमीन त्यागी होगी और गुजरों की है क्यों बैठे भाई तुम इसमें यहाँ से छोड़ दो इसको जी 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 अब ये पर्सनल नंबर है मैं आपसे संपर्क में रहूंगा एमपी साहब सुनो एक मिनट सुन लो एमपी साहब मेरी थोड़ी 2 मिनट बात सुन लो इसको आप प्रमुख सचिव से बात करो आप योगी जी से बात करो आप जैसे कैसे बात करो तो 5-4 घंटे छुड़वा लो थारे पर मामला थमने का थारे हाथ तो सुनो और या बीजेपी 6 बच्चों को छुड़वाने का करते हैं नहीं ठेक नहीं श्रीकांत त्यागी की धारा हटवाया गया जितना इसका मैं दोस्त था हम भी उसको गए थे कानून अपना काम करे भाई साहब ये धारा कोर्ट में ठहरेंगी ये तो मामला है ही नहीं तो फिर क्यों तो क्या आप सुनो आप सुनो आपको आप एमपी हैं एमपी साहब आपको सोलह दे रही है बात अविनाश अवस्थी जी साहब बात करे छोटे से प्रकरण में भाई साहब आप कमिश्नर हमसे बात नहीं कर रहे सारा फोन नहीं तो आप सुनो कमिश्नर की शायद आप दोनों दुर्व्यवहार कर रहे हैं इस पर तो कोई फोन करूंगा किसे फोन करूंगा बताओ अरे भाई सुनो इन पर जो काम करवाया गया ये मेरा नंबर है और आप जो है ना चूंकि हम भी मुझे फोन कर दो पूरे जिले के साथ मरने मारने हुआ है 1 तारीख में आपको जो करना आप करोगे लेकिन मेरी प्रार्थना आप इसे ब्राह्मण और त्यागी समाज की लड़ाई मत मनाओ आप जो सरकार से दो विषय दोनों नहीं सरकार से हमारा सुनो सरकार सरकार का अरे भाई एमपी साहब मेरी भी तो सुन लो 2 मिनट को हमारे लिए सरकार आप है आप इन्हें सरकारी साथ भिड़े आप इन्हें सारा मामला उद्दा उठाया तो सरकार कहां से बीच में आएगी आप बताओ आपकी यहाँ से नोएडा की गाजियाबाद की सरकार तो आप हैं आप जब कमिश्नर को धमका सको FIR दर्ज करा सको इसको करा सको क्या हम इसके बंधुआ मजदूर है भाजपा के हम विरोध कर देंगे तुम्हारी एक भी सीट अगर इंगड़ा निकलगी उत्तर प्रदेश में आप नुकसान करा रहे इसका भाजपा का जी आप जो है ना इसको कार्रवाई कराएगा और ये मेरा नंबर है और ये धारा वारा कटवाएगा ना दोनों विषयों पर बच्चे को छुड़वाना और ये गैंगस्टर की ये धाराएं हटना मैं दोनों विषयों में आपके साथ हूँ लेकिन उसी के मामले हाँ तो छोड़ो ईसा कराएगा आप हमारे नंबर पर बताओ भाई साहब ईसा सॉर्ट आउट कराओ मैं बात दिल्ली जा रहा हूँ बात करता हूँ दिल्ली वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हाँ अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए News Times 24 के साथ।